गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा के और मेरा साफ़ सफाई वाला क्लीनिंग वाला सारा काम फिनिश हो गया, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, चाय पहले चढ़ा गई नहाने से पहले, मम्मी भी नहा चुकी थी तो वो दूध दूध डालना था चाय में, तो वही मैं किचन में आई सीधी और बाल अभी गीले थे तो वही मैं बालों को पोंछ रही थी। और यहाँ पर पानी भी डालूंगी और मतलब चाय पहले चढ़ा गई थी तो मुझको पता नहीं था मैंने चीनी डाली भी है या नहीं, तो इसीलिए मैंने चाय टेस्ट करके देख रही थी चाय ठीक बनी है। तो यहाँ मम्मी को ही देनी है क्योंकि मम्मी ही अभी उठी हुई और पापा तो अभी सो ही रहे थे। और अब मेरा यहाँ पर ये हस्बैंड और युवराज भी उठ गए, तो मैं इन लोग उठने के बाद यहाँ पर ये सब ये जो बिस्तरे हैं वो सब भरी करके रख दूँगी। और वैसे ये लोग लेटे रहते हैं ना, तो अब तो धूप निकलती है तो उठ भी जाते हैं, लेकिन उठते लेट ही है। तो यहाँ पर सब नाश्ता वास्ता फिनिश हो गया था तो मैं अपने यहाँ पर बिस्तर सब भरी कर देती हूँ और मुझको आज गेहूँ भी धुलना है। तो फ्रेंड्स अभी आ गई मैं छत पर और मुझको धुलना गेहूँ। आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है तो मैं चलिए धुल लेती हूँ गेहूँ। और पहले मैं ये कुर्सी जो रखी हुई उसको साइड से कर दूँ। यहाँ पर चेयर भी रखी, बहुत अच्छी धूप भी हो रही है और हस्बैंड और युवराज तो चले गए हैं ननद के यहाँ, और मैं सिर्फ गेहूँ धुलने की वजह से नहीं गई थी। और धूप भी काफ़ी हो रही है, कल तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई थी तो हवा लेकिन बहुत चल रही है और ठंड भी ज़्यादा हो रही थी, तो सुबह से मैं इसीलिए नहीं आई थी। तो अभी मेरा खाना पीना सब हो गया है, नाश्ता खाना सब हो गया, नीचे से सारा काम फ्री हो गया, तो मैंने कहा चलो धुल लेती हूँ गेहूँ। तो अभी बच रहा है 1 दोपहर का, तो अभी डाल दूँगी, 4-5 बजे तक धूप रहेगी तो तब तक जितना सूख जाएगा फिर उसके बाद कल भी सुखा लूँगी। तो आज चलिए धुल लेती हूँ गेहूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो मैंने ले ली यहाँ पर ये पल्ली उससे निकाल के और यहाँ मैं बिछा देती हूँ गेहूँ डालने के लिए, क्योंकि धुल घुल के इसके ऊपर डाल दूंगी। और वैसे साफ भी है जमीन का, मैंने झाड़ू भी लगा देते लेकिन क्या है थोड़ा सा तो मिट्टी धूल मिट्टी आ ही जाता है फर्श पर, तो यहाँ पल्ली मैंने चारों तरफ से उसको कवर कर दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से निकाल लूंगी गेहूँ, और जैसे बड़े ड्रम में मेरे हैं जो गेहूँ रखे धुला हुए, और जो छोटे ड्रमों मैंने धुल के रखे थे वो सारे ख़त्म हो गए। और अभी काफ़ी ठंड की वजह से धूप भी नहीं हो रही थी, मौसम ख़राब हो रहा था तो अभी मुझको लग रहा था पता नहीं धूप होगी कैसे क्या, लेकिन गेहूँ मेरा जो था वो चलता रहा। अब मैं धुल लेती हूँ क्योंकि अब ख़त्म भी हो गया, जितना था वो मैंने भेज दिया था गेहूँ आटा पिसवाने के लिए, अब तो भेजूँगी तो फिर इसीलिए मैं आज संडे भी है टाइम भी है तो मैं धुल लेती हूँ यहाँ गेहूँ। और धूप भी अच्छी निकल रही है लेकिन हवा बहुत तेज चलती है इस वजह से थोड़ा सा और लगता है। और यहाँ मैं दोनों ऐसी बाल्टियों में निकाल के धुलूंगी, 10-15 किलो ही पिसवाने भेजती हूँ ना। तो यहाँ मैंने पाइप लगा दिया है पानी का और टंकी से पानी आ रहा है तो उसमें अच्छे से साफ हो जाते हैं। और जो गेहूँ छानने वाली छन्नी होती है उसको मैंने रख लिया है। और हवा देखिए इतनी तेज चल रही है, आप देख सकते हैं कि पौधे कैसे हिल रहे हैं और बार बार तुलसी जी का गमला गिर जाता है ना हवा की वजह से। और मैं यहाँ नीचे देख रही थी मम्मी को कोई कार्ड, मम्मी पापा नीचे धूप में बैठे हुए थे तो कोई आया हुआ था तो वो कोई कार्ड वार्ड देने आया था, तो वही मैं देख रही थी कौन है। और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है, पौधे कैसे हिल रहे हैं, पेड़ और गमले भी हिल रहे हैं साथ ही में, तो हवा तो चल ही रही है, ठंडा भी मौसम हो रहा है लेकिन गेहूँ धुलना था तो वो मुझको धुलना ही है। तो ये मैंने वो इसको धुल धुल के और पल्ली में डाल दूंगी यहाँ पर। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा है, तो हवा की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही थी, ठंडा भी हो रहा है, गलन बस हो रही है। वैसे धूप तो काफ़ी तेज़ हो गई है तो 1-2 दिन में सूख भी जाएंगे, इसलिए मैंने धो डाले थे क्योंकि फिर पता नहीं मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कब बारिश होने लगती है कब धूप होना बंद हो जाती है। तो अभी देखते हैं फरवरी तक हो ही जाएगा मौसम ठीक, तो अभी तो है जनवरी ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आज 2 दिन से धूप निकल रही थी तो मैंने सोचा लाओ गेहूँ धुल लेते हैं, तो यहाँ मैंने इसीलिए धुल दिया क्योंकि फिर अचानक से आटा ख़त्म हो जाता है, जब तक गेहूँ नहीं होता है तो फिर धो तो सकते नहीं। और धुल के हम लोगों को खाने की आदत है तो बिना धुला भेजने का मन भी नहीं करता है कि मैं ऐसे ही धुला हुआ साफ करके बिना धुला हुआ भेज दो, तो बस धो के ही खाने की आदत है इसलिए धो लेते हैं तभी इसको भेजते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही मैंने सारा धुल लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये गेहूँ अच्छे से सब धुल गया है और मैंने फैला दिया है पल्ली पर यहाँ पर, तो अब सूख जाएगा 1-2 दिन में हवा लग के। और अभी छत भी गीली हो रही थी क्योंकि मैंने गीला ही डाल दिया था। दोस्तों मैंने गेहूँ धुल लिए हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही थी इसलिए मैंने यहाँ ओढ़ लिया शॉल, धूप तो काफ़ी तेज़ है लेकिन हवा की वजह से बहुत
ज़्यादा हो रहे हैं। और ये नीचे के गेहूँ जो बचे थे वो मैंने यहाँ पर धुल के ये डाल दिया, और सारे गेहूँ में हाथ लगा दिया फैलाने के लिए। तो यहाँ देखिए सारे गेहूँ ये मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। अभी तो एक दो दिन लगेंगे, सूख जाएंगे। धूप तो तेज़ होती है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी यहाँ पर। और मैंने आज पाइप लगाया तो पौधों में भी अच्छे से पानी पाइप से डाल दिया है सब ने। और मैंने छत पर, अभी सारी छत गीली हो रही है तो वो धूप लगेगी तो सूख जाएगी, फिर शाम को लगा दूंगी झाड़ू। क्या ना ठंडे पानी टंकी का रहता है और ठंडा भी रहता है, तो उसमें हाथ डालने में काफ़ी ठंड भी लगती है। तो मुझे अब नहीं मन कर रहा था झाड़ू लगाने का, तो बस गेहूँ सूख रहे मैं यहाँ चेयर पर बैठ के ले लेती हूँ धूप। तो फ्रेंड्स देखिए, हवा की वजह से बुरा हाल, और मेरे गेहूँ बन रहे हैं और इनको सूखने में लगेंगे 2-3 दिन। और हवा से अब मैं चलूँगी नीचे और अपने ब्लॉग का फ्रेंड्स यहीं पर एंड करूँगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।